नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ड्रीम्स पे एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। नई वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था JOA के सिलेबस के बारे में, आज मैं जो नई वैकेंसीज निकली हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उनके बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बताएंगे आपको कि कब ये फॉर्म निकले हैं, इसकी कब लास्ट डेट है, कब कब कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली हैं, फ़ीस क्या रहेगी, फॉर्म कैसे बना, ये सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज निकली कब हैं। तो 21 नवंबर 2020 को ये वैकेंसीज निकली हैं और इसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2020 को। 34 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंडर ये वैकेंसीज निकली हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, इसमें जनरल की एक वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर की पोस्ट है और ये सारी की सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इसमें अगर सैलरी की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको 5,910 रुपये मिलेंगे और 1,900 रुपये इसमें ग्रेड पे मिलेगा और 20,200 आपकी रेगुलर बेस पे सैलरी होगी। दूसरी पोस्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट से ये पोस्ट निकली है, आर्टिस्ट की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है और स्टार्टिंग सैलरी इसकी भी 5,910 है और इसमें 4 हैं जनरल कैटेगरी की और इसमें मेल की जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट निकली है और फीमेल की 1 है और OBC की भी 1 पोस्ट है। नंबर 3 पे आता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एलाइड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें माउंटेनिंग सुपरवाइज़र की पोस्ट निकली है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसमें एक ही वैकेंसी निकली है और इसकी सैलरी की बात की जाए तो 10,300 से लेके 34,800 तक इसकी सैलरी है। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एलाइड स्पोर्ट्स, सेम उसी की वैकेंसी निकली है, इसमें आपका काम रहेगा ट्रैकिंग गाइड का, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और इसमें अगर बात की जाए पोस्ट की तो एक ही वैकेंसी है और सैलरी की बात की जाए तो 5,910 रुपये से स्टार्ट होगी और 20,200 तक आपकी ये चलेगी। अगर पांचवी पोस्ट की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में पोस्ट निकली है, माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की 1 वैकेंसी है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 5,910 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलेगा। अगर छठवीं पोस्ट की बात की जाए तो आयुर्वेदा की, जिसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है और ये फिक्स अमाउंट पे है, 8,710 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। जनरल कैटेगरी की इसमें 2 वैकेंसी है एंड OBC की 1 और EWS की 1 वैकेंसी है। नंबर 7 पे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की है, जिसमें पब्लिक सिटी असिस्टेंट की ग्रेड 2 की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है एंड 5,910 इसमें सैलरी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसी है, EWS की 1 है, SC की 1 है, SC BPL की 1 है और OBC की भी 1 है। 8वें नंबर पे डिपार्टमेंट आता है हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें स्टैटिकल असिस्टेंट के पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही ये पोस्ट है और इसकी सैलरी है 10,300 और 3,800 इसका ग्रेड पे है और रेगुलर बेस पे 34,800 रुपये इसकी सैलरी है। अगर वैकेंसी की बात करें तो ओनली 6 वैकेंसी है, जिसमें 1 है आपकी जनरल कैटेगरी की, EWS की 2 है, SC BPL की 1 है, OBC UR की 1 है, OBC BPL की भी 1 है। 9वें नंबर पे डिपार्टमेंट आता है हमारा HP काउंसिल ऑफ फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें सीनियर साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यही पोस्ट रहेगी और 10,300 इसकी सैलरी रहेगी, 4,200 ग्रेड पे रहेगा और रेगुलर बेस पे 34,800 आपको सैलरी मिलेगी। टोटल 5 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी की 4 हैं और SC की 1 है। 10वें नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, टोटल वैकेंसी 1 है और जनरल कैटेगरी की 1 ही वैकेंसी है। नंबर 11 पे डिपार्टमेंट आता है हिमुंडा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी या टेक्नीशियन चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी निकली है, 5,910 रुपये इसकी स्टार्टिंग सैलरी है
और रेगुलर बेस पे 20,200, और 1,900 रुपये ग्रेड पे है, इसकी भी एक ही पोस्ट निकली है। नंबर 12 पे डिपार्टमेंट आता है वेरियस डिपार्टमेंट, स्टेनोटाइपिस्ट की इसमें पोस्ट निकली है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 5,910 रुपये सैलरी है, रेगुलर बेस पे 20,200 है और 2,000 इसका ग्रेड पे है। वैकेंसीज़ की बात करें तो काफ़ी वैकेंसी है, 11 वैकेंसीज निकली हैं, इस जिसमें टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश ओबीसी की एक है, जनरल की दो है, ईडब्ल्यूएस की एक है, एससी की एक है, ओबीसी की एक है, इसमें तीसरे नंबर पे एससी की एक है और चौथे नंबर पे एससी यूआर की एक और ओबीसी यूआर की भी एक है, और पाँचवें नंबर पे होमगार्ड की इसमें एससी यूआर की एक है और ओबीसी की भी एक है। इसमें आपको 5 डिपार्टमेंट मिल रहे हैं। नंबर 1 पे टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे आ रहा है हॉर्टिकल्चरल, तीसरे नंबर पे आ रहा है जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथे नंबर पे एनिमल हस्बेंड्री और पाँचवें नंबर पे होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस। अगली वैकेंसी की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की तरफ से असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये सैलरी है, 2,800 ग्रेड पे है और रेगुलर बेस पे 20,200 है। जनरल कैटेगरी की ओनली एक ही वैकेंसी निकली है। अगली आती है हिमफेड की, जिसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 5,910 रुपये इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस सैलरी है, 20,200 रेगुलर बेस और 1,900 इसका ग्रेड पे है, और इसकी वैकेंसी 7 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की एक है, एससी यूआर की एक है, एससी बीपीएल की एक है, एसटी बीपीएल की एक है और ओबीसी यूआर की 3 वैकेंसी निकली है। अगले नंबर पे आती है होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस, जिसमें अगर बात करें तो इसमें हवलदार इंस्ट्रक्टर क्वार्टर मास्टर हवलदार ये वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसकी फिक्स सैलरी रहेगी 11,310 रुपये पर मंथ। इसमें टोटल 8 वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की एक है, ओबीसी की 2 हैं, ओबीसी बीपीएल की एक है, एससी जनरल की एक है और एससी बीपीएल की भी एक है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, जिसमें कॉपी होल्डर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये की सैलरी पे रखा गया है, 1,900 रुपये ग्रेड पे है, 20,200 रुपये रेगुलर बेस सैलरी है, जिसमें एससी की ही एक ही वैकेंसी निकली है। अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो फॉरेंसिक सर्विस का डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये सैलरी है और 2,400 रुपये ग्रेड पे है। जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी इसमें निकली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड से इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली है, जिसकी सैलरी की बात करें तो 5,910 और 1,900 ग्रेड पे और रेगुलर बेस पे 20,200 रुपये है, इसमें भी जनरल की एक ही वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से पेट्रोल पंप अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसकी पर मंथ सैलरी है 7,810 रुपये, इसमें जनरल कैटेगरी की 2, ओबीसी की एक, इसमें टोटल मिला के 3 वैकेंसी ही निकली है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी भी एचआरटीसी की तरफ से ही है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में की तरफ से, जिसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें पर मंथ सैलरी 7,810 रुपये मांगी है, इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की एक है, एससी यूआर की 2 है, ओबीसी यूआर की एक वैकेंसी निकाली है। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये भी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 15,100 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी, इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की एक ही पोस्ट दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, जिसमें प्रेस डिफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये सैलरी के साथ दिया गया है, रेगुलर बेस पे 20,200 आपकी सैलरी रहेगी और 1,900 रुपये ग्रेड पे रहेगा, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1, ओबीसी की 1। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो जल शक्ति विभाग, जिसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, जिसमें फिक्स अमाउंट रहेगा 14,100 रुपये। अगर बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी है 15, जिसमें जनरल कैटेगरी की 100 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 4 है, ओबीसी की 2 है और ओबीसी बीपीएल की 1 निकाली है।
नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये भी जल शक्ति विभाग है, लेकिन इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल में मांगे गए हैं। ऊपर वाले की बात करें तो उसमें मैकेनिकल में थे और नीचे वाले में सिविल में है। सैलरी सेम रहेगी 14,100 रुपये, इसमें टोटल 24 पोस्टें हैं। ऊपर वाले में 15 थी, इसमें 24 हैं। इसमें जनरल की 9 है, EWS में 3 है, SC में 2 है, SCBPL में 1 है, SCWFF में 2 है, SCUR में 1 है, OBCUR में 5 है, OBCBPL में 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये आयुर्वेदा है, जिसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 10,300 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, रेगुलर बेस पे आपकी 34,800, इसमें 3200 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। टोटल वैकेंसी है आपकी 1, जनरल कैटेगरी की रहेगी 1 वैकेंसी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल, जिसमें इन्वेस्टिगेटर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,910 रुपये सैलरी पे रहेगी और 20,200 इनकी रेगुलर से पे रहेगी और 1,900 रुपये ग्रेड पे रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2 ही वैकेंसी निकली हैं, EWS की 1 है और OBC की 1 है। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी निकली है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 10,300 है और रेगुलर बेस पे 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 4,400 रुपये। टोटल वैकेंसी इसकी 4 निकली है, EWS की 2 है, SC की 1 है, OBC की भी 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो HPSCBL की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA, जो आपको मैंने पिछली बार भी बताया उस चीज़ की दोबारा वैकेंसी निकली है, लेकिन ये अकाउंट डिपार्टमेंट में है। अगर सैलरी की बात करें तो 5,910 इसकी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस की सैलरी है, 20,200 इसकी रेगुलर बेस की है स्टार्टिंग, और 1,950 इसका ग्रेड पे है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 73 इसकी वैकेंसी है। इसमें अगर बात करें तो जनरल UR की 28 है, EWS की 9 है, जनरल WFF की 1 है, SCUR की 15 है, SCBPL की 2 है, SCWFF की 1 वैकेंसी है, STUR की 2 वैकेंसी है, STBPL की 1 वैकेंसी निकली है, OBCUR की 12 वैकेंसी है, OBCBPL की 2 वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा DC ऑफिस चंबा। DC ऑफिस चंबा में क्लर्क की वैकेंसी निकली है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 5,910 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, रेगुलर बेस पे 20,200 है और 1,900 रुपये इसका ग्रेड पे है। टोटल वैकेंसी निकली है 1,900, इसमें जनरल के लिए 14 वैकेंसी है, SCUR के लिए 3 है, SCWFF के लिए 1 है और OBCBPL के लिए भी 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है प्लानिंग, जिसमें स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, 10,300 इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस स्टार्टिंग सैलरी है, 34,800 इसका रेगुलर बेस सैलरी है और 3,800 ग्रेड पे है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल की और 1 EWS 1। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी निकली है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 5,910 रुपये इसकी सैलरी है, 2,000 रुपये इसका ग्रेड पे है, 20,200 इसकी रेगुलर बेस पे सैलरी है। टोटल वैकेंसी इसकी 4 निकली है, जनरल कैटेगरी की 2 है, SC की 1 है और OBCUR की भी 1 है। डिपार्टमेंट नंबर 32 अगर इसकी बात करें तो HRTC की तरफ से एक और वैकेंसी निकली है, जिसमें लेजर कीपर की वैकेंसी है। इसमें पर मंथ आपको दिया जाएगा 7,010 रुपये। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 31 वैकेंसी निकली है, जनरल कैटेगरी की इसमें 13 वैकेंसी है, EWS की 3 है, SCUR की 7 वैकेंसी है, SCBPL की 1 वैकेंसी निकली है, STUR की 1 वैकेंसी है, OBCUR की 5 है और OBCBPL की 1 वैकेंसी निकली है। अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये भी HRTC का, इस बार HRTC ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली है। अगला डिपार्टमेंट फिर से HRTC है, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट की आपके लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें सेम सैलरी 5,910 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी रहेगी, 20,200 आपकी रेगुलर बेस पे और 1,900 रुपये ग्रेड पे रहेगा। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8 वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल की 5 है, EWS की 1 है, SCUR की 1 है, OBCUR की भी 1 है। नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट डिपार्टमेंट जो बचता है हमारा वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें स्टाफ नर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी था काफ़ी पर्सन को स्टाफ नर्स का। तो
अगर सैलरी की बात करें तो 10,300 इसकी स्टार्टिंग सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, रेगुलर 34,800 और ग्रेड पे इसमें मिलेगा आपको 3,200 रुपये। टोटल वैकेंसी 28 दी हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 9 है, EWS की 6 है, जनरल WFF की 1 है, SCUR की 5 है, SCWFF की 1 है, OBCUR की 5 है, OBCBPL की 1 है। तो ये तो बात हुई हमारी पोस्ट की। अब देखिए फॉर्म भरना कैसे है, इसके लिए आपके पास 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आप प्लस टू पास होने चाहिए, या फिर आपके पास हिमाचली बोनाफाई होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए ये था हमारा आज का सिलेबस, इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो डेट स्टार्ट हुई है 21 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुई है और 20 दिसंबर 2020 को क्लोज़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरें और सभी सरकारी नौकरी पर लगें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल ड्रीम्स वे एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम इसके पूरे सिलेबस के बारे में, जो जो भी आपने फॉर्म भरे होंगे आप हमें कमेंट करिए, उनके सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाटा आपको चाहिए, मीन्स टॉपिक चाहिए, तो हम आपको वो टॉपिक भी सॉल्व करवा के देंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।